मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर और यहाँ पर दो दिन पहला गंगावाड़ी में एक नदीम नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। किसने हमला किया और क्यों हमला किया, आइए जानते हैं नदीम भाई से। भाई, किसने हमला किया आप पे और क्यों हमला किया? भाई, मेरा दोस्त है अभी जो फिरोज़ वहाँ पर खड़ा था रिक्शा लेके, और मैं 340 बस से निकला वहाँ पर बाहर, और मैं बस रोड से क्रॉस करके आ रहा था तो फिरोज से मैं बात करने खड़ा हो गया। तो इनडायरेक्टली वो एक अभिषेक और हेमन काले करके वो लोग वहाँ पर रहते हैं। जो हेमन काले वो कांजूमार्ग में रहता है, अभिषेक वो मेरा फ्रेंड है। तो वो मेरे से आगे बात करने लगा और मेरे बैग पे हाथ लगाने लगा। तो मैंने उसको बैग को मतलब नहीं दिया, उसको बताया नहीं। वो बोलने लगा इसमें क्या है बता, काम पे से आया, दारू लाया कि नहीं, कुछ लाया कि नहीं। तो मैंने उसको धक्का वगैरह मतलब ये बोला कि जान देना छोड़ना। तो हम लोग की मजाक मस्ती होने लगी। तो हेमन काले जो आके मुझे बोलने लगा, तेरे को पता है यहाँ का भाई कौन है, नाम बता यहाँ का भाई। मैं बोला ऐसा भाई लोग है दिल में, बता तेरे दिल में। तो चाकू लेके दिल के पास उसने ऐसा हाथ भी रखा। तो मैं बोला भाई ये सब मत करो, क्यों कर रहे हो ये सब? तो बोला तेरे को पता रहना चाहिए यहाँ खड़ा है तू, किसके बदौलत जी रहा है, खा रहा पी रहा है, यहाँ का भाई तो को नाम नहीं पता है क्या, माँ की बहन की। जो गाली उसको आई उसने मुझे दिया। गाली देने के बाद उसने दो लाफा मुझे मार दिया यहाँ पर, दो लाफा मारने का। उसके जो हाथ में चाकू थी उससे भी मुझे दो लगा। फिर वो मारने के बाद उसका मैंने जब गला ऐसा कॉलर पकड़ा, तो उसने कॉलर पकड़ने के टाइम पे ये कर दिया कि डायरेक्टली मुझे यहाँ पर वार दे दिया, यहाँ पर एक चाकू से मार दिया यहाँ पर। तो जैसा मारा तो मैं वहाँ से भागने लगा। मैं वहाँ से जैसे भागा तो उसने वहाँ से पत्थर उठाया, मुझे पत्थर फेंक के मारने लगा। तो मैं डायरेक्टली सिग्नल क्रॉस करके मैं अपने घर पर जाने लगा। तो घर पर जाने से पहले फिर मैंने फिरोज़ को रिक्शा वाले को कॉल किया, वो फिरोज़ रिक्शा लेके आया। फिर मैं राजावाड़ी गया, राजावाड़ी के बाद मैं पहले यहाँ पर आया पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन से राजावाड़ी बोले, राजावाड़ी से फिर मैं यहाँ पर आया। फिर राजावाड़ी से यहाँ पर कल के दिन परसों के दिन आया था रात में। यहाँ से फिर मुझे कल बुलाया गया सुबह। सुबह के बाद वो अभी तक आरोपी हाजिर नहीं हुआ है, अभी तक केस ले लिया है लेकिन आरोपी अभी तक आया नहीं है। उसको कॉल किया जा रहा है लेकिन आरोपी आने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मतलब क्यों मारा गया? कोई पुरानी दुश्मनी, कोई रंजिश थी, कुछ नहीं या मतलब यूं ही नहीं, यूं ही बस अभिषेक से मेरी जो मस्ती मजाक चल रही थी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग झगड़ा कर रहे हैं या फिर ये लोग एक्चुअली अल्कोहल में जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो लोग क्या कर रहे क्या है। मतलब मजाक मस्ती भी ऐसी हो जाती कि वो बढ़ जाती है, मतलब वो लोग वो चीज़ को सीरियसली लेने लगते हैं। तो मजाक मस्ती में उसने अभिषेक ने मुझसे किया और ये भाई को लगा कि वो मुझसे लड़ रहा है और ये भाई ने आके डायरेक्ट मुझे मारने लग गया। मतलब आपका बोलना ये है कि वो लोग नशे में थे? हाँ, नशे में थे, काफ़ी नशे में थे। उन लोग अल्कोहल के थे, कौन से नशे में थे पता नहीं लेकिन बहुत नशे में थे। मेरे से काफ़ी गाली गलौज में उन लोगों ने बात किया। बस मुझे ये बोल के मारा गया कि यहाँ के भाई लोग का नाम बता, गंगावाड़ी के भाई लोग का नाम बता। मुझे ये नहीं पता था सिग्नल के यहाँ से लेके वहाँ तक भाई कौन है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर हादसे हो चुके हैं, वहाँ पर काफ़ी मर्डर हो चुके हैं, काफ़ी लोग बहुत कुछ कर चुके हैं वहाँ के है भाई लोग, बट मुझे किसी का नाम लेना नहीं था तो मैंने नहीं लिया नाम। तो नए नाम लेने की वजह से उसने मुझे मारा है। तो इस मामले में घाटकोपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई किया है बट आरोपी अभी तक नहीं आ रहा है, यही है कार्रवाई। तो पुलिस से क्या मांगे आपकी? पुलिस से ये मांगे जस्टिस मिले, वो आरोपी जल्द से जल्द आ जाए। और जो लोग मुझे धमका रहे, कॉल भी आते हैं कि सेटलमेंट कर लो, पुलिस स्टेशन मत जाओ, काफ़ी कुछ घर पे भी मेरे कॉल आ रहे हैं भाइयों। आपको धमकाया जा रहा है कि मतलब केस वापस लेने के लिए? केस वापस लेने के लिए तो धमकाया जा रहा है कि अगर तू आगे कुछ करेगा तो हम लोग तुझे, पुलिस तो तेरे साथ में घूमेगी नहीं और तू हिजड़ा है जो पुलिस स्टेशन जा रहा है बार बार, तो पुलिस तेरे साथ में घूमेगी नहीं, ऐसी बातें की जा रही। चलिए, हमसे बात नहीं। इनका ये कहना था कि नशे की हालत में ये हादसा हुआ लेकिन उसके बाद भी इनको कॉल देकर धमकाया जा रहा है कि जो इन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत की वो शिकायत वापस ले ले, क्योंकि इनको ये भी कहा गया कि पुलिस तेरे साथ में 24 घंटा घूमेगी नहीं, तू अकेला मिलेगा तो इनके साथ और भी हादसा हो सकता है। अब देखना ये कि इस मामले को घाटकोपर पुलिस किस तरह लेती है, क्या जिन्होंने ये किया है उन पर क्या कार्रवाई होती है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।